नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी और आपके चैनल पढ़ाकू पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम पास आउट होने का एकमात्र तरीका। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ एकमात्र तरीका, बस यही वो तरीका है जिससे आप कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो आप पास आउट हो सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, जो आप इस तरह से कंपार्टमेंटल एग्जाम दे, इस तरह से दे, ऐसे दे, आप बिना पढ़े हुए दे सकते हैं, बिना कुछ किए हुए दे सकते हैं। तो बहुत सारा वीडियो मुझे देखने को मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता हूँ और मेरे जितने भी व्यूअर हैं मैं चाहता हूँ कि उन्हें कोई गुमराह नहीं करे। मेरा पहला पर्पस यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं दूसरे का बात सुन के, और उन्हें लगता है कि इस तरह से करने से पास आउट हो जाएंगे, बाद में वो पास आउट नहीं हो पाते हैं और वो अफसोस जताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो पास आउट होने का एकमात्र और एकमात्र तरीका है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ दिन जो है वो मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक ही बात है ना, आप सीधा समझ लीजिए, आपने पहले पढ़ा नहीं, आपने एग्जाम दिया, आप पास आउट नहीं हो पाए। आपने एक साल पढ़ा लेकिन आप पास आउट नहीं हो पाए। अभी आपके पास कुछ दिन का समय है, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको मिला हुआ है आपके बोर्ड की तरफ से, तो आपको उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। और वो मेहनत ही एक वो जरिया है जिसके तहत आप कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, कुछ दिन आप अपना पढ़ाई पे फोकस कर दें, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से पास आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कर दें कुछ दिन, जिस सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप पास आउट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो आई है पसंद तो फटाफट इस वीडियो को कर दें लाइक, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। गुमराह करने वाले लोगों से दूर रहें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।